मेहरबा होके बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मेहरबा होके बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। चलिए आज हम लोग एक नए अंदाज के साथ फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। गौतम टुक अ लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। गौतम कोऑपरेटिव बैंक से एक लोन लेता है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 12% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। एवरी मंथ ही हैज टू रिपे। वो क्या करेगा, मंथली पेमेंट करेगा 378 एज इंटरेस्ट। हर महीना वो 378 रुपये इंटरेस्ट पे करेगा सिर्फ। लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। तो बताओ कि वो कितने रुपए लोन लिए थे। जी, ये हमको प्रिंसिपल बताना है यहाँ। तो चलिए इसके पहले रफ देख लेते हैं। जी, इसका रफ है T=1 year, R=12% और SI=378। ये पर मंथ है, एक महीने का 378 है, 378 तो 12 मंथ का कितना होगा। तो उसको हम क्या करें, 12 से मल्टीपल कर देंगे। जी, तो 12 से मल्टीपल करने से पी निकालना है। ये तो रफ हुआ, इसका आंसर निकालना है कि पी कितना होगा। जी, इसको ट्रिक के बेस पे निकालेंगे तो देखते हैं, अभी इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12। तो चलिए इसको बाद में करते हैं। हम लोग तरीका को क्या करेंगे, SI को उतारेंगे 378 × 12। ऐसा नाम से क्या है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। जी, अभी भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 12 कम 12, तो 12 12 कैंसिल, 12 कम 12, 2 जीरो बचे, यहाँ उतार देते हैं इक्वल टू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 378 को 1 से बढ़ा करेंगे तो 378 ही होगा और 00 है, यहाँ बढ़ा तो हो गया आंसर। जी, इसका आंसर निकल गया, बस इतनी सी बात है। क्या किया, फिर मैं बता रहा हूं, T=1 year, R=12%, SI=378, 378 पर मंथ। तो हमें 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का क्या करेंगे, उसको 12 से मल्टीपल कर देंगे। तो P=what, तो हम क्या करेंगे, SI को यहाँ पूरा उतार लेंगे। तो SI कितना था, 378 × 12। मैंने क्या कहा कि उसको 2 जीरो सिर्फ ऐड कर देंगे, तो 2 जीरो हम ऐड कर दिए और ये इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं 12 कम 12। इसको देखिए, तो इसको क्या करेंगे, ये 12 12 कैंसिल हो गया, तो 12 का 12 12 का 2 जीरो बढ़ा दिए। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 1 से 378 यानी 378 ही होगा, 2 जीरो ऐड कर दिए। जी, आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम ट्विक्स हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। देखिए फ्रेंड्स, यह कह रहा है कि टाइम कितना होगा, कितने साल के लिए, विच मनी कितना रुपया लिया था कि वो 2 गुना हो गया, उसका अमाउंट उसका 2 गुना हो गया, कितना प्रिंसिपल वो लोन लिया था कि उसका अमाउंट डबल हो गया है, किस पर 6% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, कितना रुपये वो लिया था कि उसका अमाउंट डबल हो गया है 6%, यानी 6% शुद्ध रेट के हिसाब से। तो हमको पता ना है कितने साल के लिए कि वो डबल हो गया, जितना प्रिंसिपल लिया था उसका डबल कितने साल में हुआ, हमको टाइम निकालना है। तो चलिए पहले इसका रफ देख लेते हैं। जी, इसका रफ P=x, amount=2x, R=6%। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना जमा किया था वही पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं, प्रिंसिपल का अमाउंट उसका डबल हो गया है तो 2x मान लेते हैं। जब प्रिंसिपल और अमाउंट पता हो तो क्या ऐसा हम नहीं निकाल सकते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो 2x में 1x घटा दें तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, तो जी ऐसा ही हो जाएगा उसका 1x। जी, ऐसा भी निकल गया। तो हमको टाइम निकालना है, तो जिससे प्रोसेस है क्या, हम क्या करेंगे, ऐसा ही बता लेंगे और उसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे। जी, 2 जीरो तो ऐड कर दिए, 2 जीरो 100 अभी उसमें। अब क्या करेंगे, हम x और 6 को गुणा कर देंगे, तो x × 6, तो x x
तो जब हम इसको एक्स एक्स काट देंगे तो इसका हो जाएगा 16 टू अपॉन 3। जी इसका आंसर हो गया, जी इसका आंसर निकल के तैयार हो गया। तो ये इस तरह के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आप देखते हैं एक मिनट के अंदर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, शर्त है कि आप पहले इसको समझें। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन्नान मियां ऑब्जर्व आफ्टर 6 इयर्स ऑफ टेकिंग ए लोन दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। मन्नान मियां जो है वो 6 साल के लिए एक लोन लिया है और वो जो इंटरेस्ट पेड करेगा वो प्रिंसिपल का 3/8 हिस्सा वो इंटरेस्ट पेड करेगा। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन पर्सन पर एनम। तो बताइए कि किस रेट के हिसाब से, रेट ऑफ पर्सन के हिसाब से वो लोन लिया था। तो चलिए इसको हम लोग पहले रफ देख लेते हैं। जी इसका रफ हो गया टी इक्वल टू 6 ईयर्स, पी इक्वल टू एक्स और एसआई इक्वल टू एक्स इंटू 3/8 आर इक्वल टू व्हाट। जी आपको ये बताना है कि टी इक्वल अगर 6 साल है तो ये पी तो पता नहीं है, पी कितना वो लिया है वो पता नहीं है। जितना भी लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट उसका 3/8 हिस्सा जो है वो पेड गया था एज इंटरेस्ट। तो बताइए किस रेट के हिसाब से लिया है। तो इसको हम गुणा करें तो 3x/8। जी ये रफ हो गया। तो क्या तरीका करते हैं, हम क्या करेंगे 3x/8 इंटू यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे 100 लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे 6x/6x। तो एक्स एक्स कैंसिल, इसको 3 एकम 3, 3 6, 2 एकम 2, 50 100, तो 50/8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 1/4 6 × 4, ये इसका परसेंट, जी इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स को 4% के हिसाब से लोन देती है। बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवेन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.4% पर एनम फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। और उसी लोन को हम लोग स्टेट बैंक या कोई भी बैंक से, हम बैंक से लेते हैं तो हमको 7.4% पर एनम रेट देना पड़ता है। इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम इट इंस्टेड ऑफ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। एक किसान जो है वो बैंक में लोन लेने के बजाय अगर वो कॉपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है 5,000, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव एज इंटरेस्ट पर एनम। तो बताइए कि वो कितने रुपए इंटरेस्ट सेव करता है यानी बचा पाता है। तो चलिए इसका अपना रफ देख लेते हैं। जी इसका रफ देख सकते हैं कि P इक्वल टू 5,000, R इक्वल टू 7.4%, T इक्वल टू 1 ईयर, ये बैंक का है। तो इसका पहले ऐसा हम लोग पता कर लेते हैं तरीका, अगर हम दो पॉइंट में डाल देंगे, जब भी ऐसा निकालेंगे प्रिंसिपल में 2 डिजिटल पॉइंट डालेंगे तो अब क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 50 और 7.4 को गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 370। कितना आएगा 370, एक से गुणा करेंगे तो 370 ही होगा। जी अगर 50 को 7.4 से गुणा करेंगे तो 370 होगा, एक से गुणा करेंगे उतना ही होगा। जी इसका ऐसा निकल के तैयार हो गया 370। जी अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, P इक्वल टू 5,000 और R 4% टाइम 1 ईयर, तो ऐसा इक्वल टू व्हाट देख सकते हैं इसको कि P इक्वल टू 5,000 है 4% रेट के हिसाब से, 1 साल समय है तो हम उसका ऐसा कैसे निकालेंगे, 2 के बाद फिर पॉइंट डाल देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तरीका के हिसाब से जो मैं शॉर्टिक बताया हूं। तो क्या करेंगे इसको 5 × 20 200 200 एकम 200, जी इसका भी ऐसा निकाल गया। अगर वो कॉपरेटिव सोसाइटी लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 200,
उसी अगर बैंक में लेता है तो उसको देना पड़ेगा 370। तो बचाइए वो कितना रुपए बचाया, बचाया कितना रुपए जी, तो बचाया उसने सेव किया, सेव मनी तो कितना होगा, आप सोच सकते हैं कि 370 में 200 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 170 रुपया उसने सेव किया। जी हो गया आंसर, इसका जी आंसर निकल के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नीचे जो लाल बटन दिखाई पड़ रहा है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और हर एक टॉपिक में इस तरह की शॉर्ट क्लिक आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।